नमस्कार, जय श्री कृष्ण और जय जिनेन्द्र। भगवान महावीर के पथ पर चलने वाले, उनका एक स्लोगन था, जिए और जीने दे, हम स्वयं जिए और विश्व को भी प्रेम पूर्वक जीने दे। उन्हीं आदर्श, उन्हीं संस्कार पर चलने वाली भाग्यनगर त्रयनगर की सबसे बड़ी जैन संस्था श्री जैन सेवा संघ, जो बहुत नामी है और अपने संस्कार, अपने कार्यों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ऐसी संस्था के कल चुनाव के समाचार मिले और मन को बड़ी प्रसन्नता हुई जब सर्वसम्मति से चुनाव संपन्न हुए और जिसमें अशोक जी बरमेचा को अध्यक्ष और गौतम गुगलिया जी को अध्यक्ष और अमित जी मनोत को मंत्री बनाया गया। मुझे बड़ी प्रसन्नता है सच में, जब एक समाज, एक संगठन फालतू खर्चों से बाहर निकल करके, उन झंझटों में न पढ़ करके, लड़ाई झगड़ों में, पंचायती में न पढ़ करके, अन्य समाज को, अन्य संगठनों को यह संदेश दे कि हम जब चुनना, हमको रहना इन्हीं में से किसी एक को मंत्री बनना है कि फिर जब इतने सरलता से काम हो सकता है तो फिर फालतू खर्चे क्यों किया जाए। यह वास्तव में जैन सेवा संघ के चुनाव ने संपूर्ण जितने भी सरकार अन्य संगठन है, जो भी चुनाव होते हैं आजकल, प्राय देखा जाता है अनाप शनाप प्रचार में खर्चा किया जाता है, कैटरिंग की जिसमें भी किया जाता है, तो ये सब न हो। इसके लिए मैं पुनः श्री जैन सेवा संघ के संपूर्ण जितने भी लोग चुने गए हैं पदाधिकारियों को अपने हृदय से धन्यवाद उनको देता हूँ, बधाई भी देता हूँ कि उन्होंने अन्य लोगों के लिए, संगठन के लिए, समाज के लिए एक बहुत बहुत अच्छी सामने बात रखी कि इस तरह से भी रहा जा सकता है। इसके पूर्व में भी जो योगेश जी सिंघवी है, विनोद कीमती है, इन्होंने भी बहुत अच्छे कार्य थे, इनको उन्हीं कार्यों को, जनसेवा का कार्य, मानव सेवा का कार्य और धर्म की रक्षा, राष्ट्र रक्षा, इन्हीं कार्यों के लिए तो ये संगठन बना है, यह संस्था बनी है। पुनः सभी पदाधिकारी चुने गए उनको बधाई और यह जैन समाज हमेशा आगे भी विश्व का, मानवता का इसी तरह पथ प्रदर्शक बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।